आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक नहीं आते, काफी कम लाइक्स आते हैं। नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक कर दीजिए, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बात करें रिजल्ट्स की तो ये रहे रिजल्ट्स, और चेक कर लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फिगर्स कैसे आते हुए देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स के। ये है स्टैंड अलोन, हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड, चेक कर लेते हैं कंसोलिडेटेड फिगर्स, और ये रहे इनके कंसोलिडेटेड फिगर्स, आई गेस इधर ही होने चाहिए, नेक्स्ट पेज पे आपको ये रहे। ओके, तो आ गए हैं टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड फिगर्स, चेक करें सारे फिगर्स आपको रुपीज़ इन करोड्स में आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इनकम की तो 62,000 करोड़ लास्ट क्वार्टर 66 था, लास्ट ईयर 54 था, तो वाई एंड वाई ग्रोथ है, क्यों उनकी डी ग्रोथ है। एक्सपेंसिस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कम हुए हैं एक्सपेंसिस इनफैक्ट। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो वो 4,400 करोड़ का आपको लॉस आता हुआ देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर 4,450 था, लास्ट ईयर 307 करोड़ का था। तो आपके पास थोड़ा ईवी में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एक्सपेंस हो गए, वो थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले। वाई एंड वाई रिजल्ट अच्छे, क्यू ऑन क्यू भी अगर आप बात करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक काफ़ी अच्छा, और 2100 का जो मेरा टारगेट है वो डेफिनेटली मुझे लगता है आ सकता है, लेकिन मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। और 2100 के टारगेट वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको अच्छे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वो वाला वीडियो जाकर जरूर चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, रिजल्ट्स मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। बाकी आप बताइएगा, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, और इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हो रही है ईवी के अंदर। मनी फ्रंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहाँ पर कमीशन चार्ज होता है, कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंस्टा कैश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट एफडीज AAA रेटेड कॉर्पोरेटिव NPS के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स आप बाय कर सकते हो, PMS सर्विस अगर आपको अवेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अवेल करनी है तो वो भी अवेल कर सकते हो, फ्री है ऐप पे अकाउंट ओपनिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।